Hello friends, this is Aman here and today I will discuss the best teachers of geography optional in Delhi. दिल्ली का मैं बेस्ट टीचर्स के बारे में डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से बेस्ट टीचर्स हैं, क्या क्या उनके प्रोज हैं, क्या क्या उनके कौनस हैं, जिससे जो नए स्टूडेंट हैं अभी जा रहे हैं दिल्ली में और प्रिपरेशन करने के लिए, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से टीचर को ज्वाइन करें एज अ ज्योग्राफी ऑप्शनल टीचर. तो उनको एक आइडिया लगेगा कि हाँ ये टीचर अच्छा है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई. तो डेमो भी देते हैं टीचर्स, तो उनके डेमो में आप जाओगे तो एक आइडिया आपको लगेगा कि हाँ ये टीचर अच्छा है, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है इसके बारे में, तो आप वहाँ जा सकते हो. तो पहला टीचर मैं लेता हूँ नीतू मैम. नीतू मैम का फिजिकल ज्योग्राफी पर काफ़ी अच्छा कमांड है और काफ़ी अच्छी टीचर हैं, काफ़ी लेबोरियस टीचर हैं, एक्स एस्पायरेंट भी रह चुकी हैं ये. तो इनको एक अच्छी आइडिया है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, कैसे पैटर्न है, क्या ट्रेंड है, ट्रेंड चल रहा है, उनको अच्छी से नॉलेज है. लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विदाउट प्रोजेक्टर इनके कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं होते हैं, सही से क्लियर नहीं कर पाते बिगनर्स जो होते हैं. तो ये कौन इनका कहा जा सकता है, लेकिन ये बिगनर्स के लिए केवल प्रॉब्लम होता है. बाकी जो स्टूडेंट ठीक ठाक है उनके ज्योग्राफी वो समझ सकते हैं. अगला लेते हैं सब्बीर सर. सब्बीर सर जो हैं वो वाजीराम में लेते हैं क्लासेस और अच्छे टीचर हैं ये भी. और इनका ह्यूमन ज्योग्राफी अच्छा है इनका, और फिजिकल ज्योग्राफी भी ठीक ही है इनका. तो अच्छे टीचर हैं ये भी, और वाजीराम के काफ़ी पुराने फैकल्टी हैं ये, काफ़ी सालों से ये पढ़ा रहे हैं, और इनका नोट्स काफ़ी अच्छा होता है. अगला चलते हैं ऋषिकेश दुदत्त सर जो हैं वो शुभ्रा रंजन में के टीचर हैं अभी. ये नए टीचर हैं, लेकिन मैंने इनका जहाँ तक क्लासेस लिया है तो काफ़ी अच्छे टीचर हैं, करंट से जोड़ कर चीज़ों को पढ़ाते हैं. एक्स एस्पायरेंट रह चुके हैं, तो इनको ट्रेंड भी काफ़ी अच्छा पता रहता है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा जो सेक्शन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इनको काफ़ी अच्छा रहता है. और इनके नोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, आप प्रिफर कर सकते हो इनको. शुभ्रा रंजन में ये टीचर हैं, ये बेहतरीन टीचर हैं. ये हिमांशु सर जो हैं वो अपने 500 प्लस क्वेश्चंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं. यानी अगर आपने प्रिपरेशन पूरा कर लिया है तो इनका 500 प्लस Q&A सीरीज होता है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा इससे. क्योंकि जब ये 500 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे तो एक आपको अलग ही बेनिफिट मिलेगा. तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एक मॉडल आंसर मिल जाएगा, मॉडल आंसर्स का नोट्स मिल जाएगा, बार बार रिवाइज करोगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो 300 प्लस जा सकते हैं. अगले टीचर्स को लेते हैं. के सिद्धार्थ सर हैं, इनका खुद का इंस्टीट्यूट है, काफ़ी पुराने टीचर हैं, काफ़ी कमांड इनका अच्छा है, एक्सपीरियंस्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो कमांड होगा वो काफ़ी अच्छा होगा. बेहतरीन टीचर हैं ये भी, और इनको आप ज्वाइन कर सकते हो, इनका खुद का इंस्टीट्यूट है. शशांक एटम सर भी काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं और अच्छी नॉलेज है इनको. ALSIS है एक इंस्टीट्यूट, उसमें ये पढ़ाते हैं और ठीक टीचर हैं ये भी, इनको ज्वाइन कर सकते हो आप लोग. अगर आपको और थोड़ा अगर डिटेल जानना हो तो थोड़ा इनके बारे में सर्च करिएगा इंटरनेट के ऊपर, तो आपको थोड़ा सा और बेहतर जानकारी मिलेगा. ALSIS में ये पढ़ाते हैं, आगे एक्सपीरियंस टीचर हैं काफ़ी ये. और कुछ टीचर्स को मैं स्लाइड में नहीं ले पाया हूँ, तो वो टीचर्स जो हैं वो हैं ये हैं आलोक रंजन सर के बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ. तो आलोक रंजन सर जो हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लासेस लेते हैं, काफ़ी सालों से क्लासेस ले रहे हैं. तो ये भी काफ़ी फेमस टीचर हैं, आलोक रंजन सर हैं. न्यून स्टाइल एक कोचिंग है शायद, तो उसमें ये पढ़ाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं उनको, वो भी काफ़ी फेमस हैं. ये खासकर हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी बेहतरीन टीचर हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनसे ही कोचिंग लेना चाहते हैं हमेशा. तो ये टीचर्स हैं, नीतू मैम हैं, और बताया सब्बीर सर वाजीराम के लिए थे, ऋषिकेश सर जो थे वो शुभ्र रंजन में पढ़ाते हैं, इनका करंट अफेयर्स से जोड़कर काफ़ी बेहतरीन कमांड है. ये प्रैक्टिस के लिए ये हिमांशु सर जो हैं, इनका 500 प्लस सीरीज जो है काफ़ी फेमस भी है.
और के सिद्धार्थ सर हैं, काफ़ी पुराने टीचर हैं, अच्छे एक्सपीरियंस्ड हैं। और शशांक एटम सर हैं, ये भी काफ़ी वेल वर्स्ड और नॉलेजफुल टीचर हैं। इनका फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी का काफ़ी अच्छी कमांड है, तो आप इनको देख सकते हो। और ये है कि ऐसे ही वीडियोज़ में लाते रहता हूँ ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि जो बिगनर्स हैं उनके लिए स्पेशली मैं ये बना रहा हूँ, ताकि जो जा रहे हैं और ऑप्शनल के लिए भटक रहे हैं कि कहाँ पर मैं कोचिंग लूँ, कहाँ पर नहीं लूँ, तो उनके एक जो नॉलेज मिल जाएगा कौन कौन से टीचर एक्चुअली में पढ़ाते कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में वो पता कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं वीडियो डलाते रहता हूँ इस चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो जो अभी नए नए दिल्ली में आए हुए हैं, तो वो उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा इससे, और एक कम से कम एक नॉलेज तो हो जाएगा ये कि कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं एक्चुअली में। तो ये है, और मैं इस चैनल पर और भी जो ऑप्शनल हैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा, और बुक के भी रिव्यू करूँगा कि कौन से बुक्स अच्छे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, कौन से बुक बेहतरीन है, कौन इकॉनमी के लिए बेहतर है। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो और इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और थैंक यू।